चेचट के खेड़ारुडा गांव के पास रामनगर में बने तालाब में नहाने गए बालक की पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई। 8 साल का बालक नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। बालक को डूबता देख दोस्तों ने ग्रामीणों को सूचना दी। घटना के बाद में जब लोगों को पता लगा तो ग्रामीणों की मदद से बालक को तालाब से निकाला। 108 की मदद से खेड़ारुदा प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं चेचट थाना पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी देवलाल मीणा मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम के लिए चेचट अस्पताल लाया गया, लेकिन परिजनों के पोस्टमार्टम से इनकार करने और लिखित में दिए जाने के बाद शव उन्हें सुपोर्ट कर दिया गया। पूछताछ में परिजनों ने बताया है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ पास ही में बने तालाब में नहाने चला गया था, जहां पैर फिसलने से वह गहरे तालाब में डूब गया। उसे डूबता देख अन्य बच्चों ने गांव में बालक के डूबने की सूचना दी, लेकिन ग्रामीण जब तक पहुंचे तब तक उसकी सांस उखड़ चुकी थी। जे थाने के लैंड लाइन पर सूचना मिली कि ग्राम खेड़ा रुद्दा में एक बच्चे की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। इस सूचना पे मैं जाप्ता खेड़ा रुद्दा के लिए रवाना हुआ और रास्ते में खेड़ा रुद्दा PHC की एम्बुलेंस मिली, जिसमें उस बालक जो डूबा हुआ था उस बालक को लेकर आते हुए मिले CHC चेचट के लिए। यहाँ लाकर डॉक्टर साहब को दिखाया तो CHC चेचट में डॉक्टर साहब ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। पूरी जानकारी ली गई तो बच्चा गांव के अन्य बच्चों के साथ में तलाई में नहाने गया हुआ था और नहाते समय गहराई में जाने से बच्चा डूब गया।